अगर आप बहुत ज्यादा आइटम्स फ्रीज करके रखते हैं, या फिर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, या आपका कोई शॉप है जिसमें फ्रोजन आइटम्स और आइसक्रीम्स वगैरह होता है, तो डीप फ्रीजर आपके पास जरूर होगा। अगर आप फ्रीजर खरीदना चाहते हैं या फिर अपना पुराना फ्रीजर को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जरूर काम आएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया में अवेलेबल बेस्ट फ्रीजर ब्रांड्स के प्रोज और कॉन्स, और एंड में मैं शेयर करूंगी फ्रीजर को मेंटेन करने की कुछ आसान टिप्स। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा। हमारी पहली ब्रांड है रॉकवेल। ये कन्वर्टेबल है। रॉकवेल का कन्वर्टेबल ग्रीन फ्रीजर्स पूरे प्रोडक्ट पे 10 साल की वारंटी और कंप्रेसर पे 5 साल की वारंटी के साथ आता है। इनमें 90 मिलीमीटर थिक PUF इंसुलेशन है, 100% कॉपर कॉइल यूज हुआ है इसमें, 53% तक पावर बचाता है। व्हाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन में दिखने में काफी कूल ये फ्रीजर्स 315 से लेकर 523 लीटर की कैपेसिटीज में अवेलेबल है। 523 लीटर आपको 40,000 के आसपास की कॉस्ट में मिलेगा और 315 लीटर की कैपेसिटी आपको 30,000 के आसपास की कॉस्ट में मिलेगा। ये डबल डोर है। ये फ्रीजर्स कन्वर्टिबल है, मतलब आप इनको कूलर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और फ्रीजर के तौर पे भी। इसमें है करोशन रेजिस्टेंट PPGI बॉडी, 360 डिग्री रोटेटिंग व्हील्स, हैवी ड्यूटी कंप्रेसर, 48 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये कूलिंग देता है। इसमें रोटेटिंग व्हील्स, हैवी ड्यूटी कंप्रेसर, इसमें यूनिक 3-साइडेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, नॉइस फ्री ओपनिंग एंड क्लोज सिस्टम है, लिट लॉकेबल है। कूलर के तौर पे यूज करें तो आप इसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और डीप फ्रीजर में कन्वर्ट कर ले तो फ्रोजन आइटम्स जैसे कि मीट, फिश, आइसक्रीम या फिर फ्रोजन एंड रेडी टू ईट फूड इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी बिजली भी बचाती है और आपको अलग अलग फ्रीजर और फ्रिज नहीं लेना पड़ता। ये आपको 10 घंटे तक बैकअप देता है पावर कट के दौरान। सही मेंटेन हो तो आपको 12 साल सर्विस दे देगा। दोस्तों, वीडियो में दिखाई गई डीप फ्रीजर्स में से अगर कोई भी मॉडल आप खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से जाके आप उसको खरीद सकते हैं। मैंने डबल डोर फ्रीजर्स को फीचर किया है क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर है, पर आप इनके सिंगल डोर मॉडल्स भी ले सकते हैं। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक से प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स भी जान सकते हैं या फिर उनको खरीद सकते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांड है भरोसेमंद गोडरेज। गोडरेज की डबल डोर डीप फ्रीजर्स 300 लीटर की कैपेसिटी में 24,000 के आसपास में और 400 लीटर की कैपेसिटी 28,000 के आसपास की कॉस्ट में अवेलेबल है। ये भी कन्वर्टेबल है। आप इसको फ्रीजर या कूलर जैसे भी चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। इसमें क्विक फ्रीज का ऑप्शन भी है। गोडरेज आपको 5 साल की वारंटी देता है कंप्रेसर पे और रस्ट फ्री ऑपरेशन का गारंटी भी देता है। 1 साल पूरे प्रोडक्ट पे वारंटी है। अंदर आपको टफ एंड वायर शेल्फ्स मिलेगा। इसकी स्पेशल फीचर में है पेंटाकूल टेक्नोलॉजी, डी कूल टेक्नोलॉजी, जॉप टेक्नोलॉजी, एंटी बैक्टीरियल गैसकेट जो रिमूवेबल और वॉशेबल भी है। अंदर आपको ब्राइट LED लाइट भी मिलता है। स्टको एल्युमिनियम का इंटीरियर है और 70 मिलीमीटर का थिक इंसुलेशन भी मिलता है। इसमें 4 साइड्स के साथ साथ आपको बेस से भी कूलिंग मिलती है, इसलिए कूलिंग यूनिफॉर्म होती है। -26 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। पावर कट के दौरान काफी देर तक कूलिंग रिटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू स्टार के फ्रीजर्स के बारे में। ये काफी अलग अलग कैपेसिटीज में अवेलेबल है। ये आपको सिंगल डोर भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ डबल डोर में 284 लीटर्स, 400 लीटर्स, 484 लीटर्स, 665 लीटर्स के कैपेसिटीज भी मिल जाएगी। पर प्राइस मुझे इसकी थोड़ी हाई साइड पे लगा। 284 लीटर्स 27,000 के आसपास में अवेलेबल है, 400 लीटर 31,000 के आसपास में, 665 लीटर्स आपको 57,000 के प्राइस में मिलेगा। ये जिंक कोटेड बॉडी के साथ आता है जो इसको करोशन रेजिस्टेंट बनाता है। एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर है, हैवी ड्यूटी कोस्टर व्हील्स है, ज्यादा एस्थेटिक दिखने के लिए रिसेस्ड हैंडल्स के साथ ये आता है, लॉक और PUF इंसुलेशन भी है,
ये भी कन्वर्टेबल है। इसके साथ एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ज्यादातर डबल डोर डीप फ्रीजर्स मॉडल्स आजकल कन्वर्टेबल है और आप उनको फ्रिज या फ्रीजर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम सब में है कि एक साथ दो फंक्शंस नहीं दे सकते। होता डबल डोर पर बीच में कोई पार्टीशन नहीं होती, इसलिए अगर आपको एक साथ कूलर और फ्रीजर चाहिए जो आप एक ही टाइम पे कूलर और फ्रीजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा मॉडल परचेज करना पड़ेगा जिसमें डबल डोर के साथ साथ डबल कंपार्टमेंट भी हो। हमारी नेक्स्ट मॉडल हायर में बिल्कुल ऐसा ही है। हायर डीप फ्रीजर्स में काफी अलग अलग ऑप्शंस देता है, जैसे कि हार्ड टॉप और ग्लास टॉप फ्रीजर्स, नॉर्मल डीप फ्रीजर के साथ वर्टिकल फ्रिज जैसा डीप फ्रीजर और उसके साथ साथ पोलर फ्रीजर जो आपको अलग दो कंपार्टमेंट्स देता है, जिनमें से एक को आप फ्रीजर और एक को कूलर के तौर पे यूज कर सकते हैं। हायर होम यूज के लिए छोटा फ्रीजर और कमर्शियल यूज के लिए सिंगल डोर बड़ा फ्रीजर अवेलेबल करवा चुका है मार्केट में। वर्टिकल फ्रीजर्स का मॉडल आप स्पेस सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपको चौड़ा सा फ्रीजर नहीं यूज करना है तो। वर्टिकल फ्रीजर्स आपको 226 और 266 लीटर की कैपेसिटी में मिल जाएगा। पोलर फ्रीजर्स दो अलग कंपार्टमेंट के साथ आता है, ब्राइट इंटीरियर लाइट मिलता है इसके साथ, इनमें 100 आवर्स तक कूलिंग को रिटेन करने की फीचर भी होती है। 295 लीटर 28,000 के प्राइस में मिल जाएगा, 365 लीटर 36,000 के आसपास में मिलता है। हायर के फ्रीजर्स की टेम्परेचर की रेंज आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी कर सकते हैं। 160 से लेकर 260 वोल्ट तक की वोल्टेज में स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन देता है। एक साल प्रोडक्ट पे और 3 साल कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगा। हायर के डीप फ्रीजर्स के अलग अलग मॉडल्स और उनके प्राइस और फीचर्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल लिंक से आप इसके बारे में डिटेल्स भी पता कर सकते हैं और उस लिंक से उसको परचेज भी कर सकते हैं। हमारी लास्ट ब्रांड है टाटा का वोल्टस। 405 लीटर का डबल डोर डीप फ्रीजर आपको 29,000 के आसपास की कॉस्ट में मिलेगा, जो काफी किफायती है। इसमें इम्प्रूव्ड हाइजीन के लिए स्टको एल्यूमिनियम इंटीरियर दिया गया है, बाहर यूवी ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है सालों साल इसका लुक को बरकरार रखने के लिए। स्प्रिंग लोडेड हिंजेस है, कैस्टर व्हील्स है, डोर लॉक है। इसका 320 लीटर का मॉडल आपको 23,000 की कॉस्ट में मिलेगा, 500 लीटर 30,000 के आसपास में मिलेगा। पर वोल्टस की एक नेगेटिव पॉइंट है, इनका डीप फ्रीजर कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ डीप फ्रीजर के तौर पे ही आप यूज कर सकते हैं, पर ये ड्यूरेबल भी है। कोल्ड ड्रिंक या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब ये कूलर की टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था इंडिया में अवेलेबल 5 बेस्ट डीप फ्रीजर ब्रांड्स और उनके बेस्ट मॉडल्स। अब मैं बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपनी फ्रीजर को एफिशिएंट बना सकते हैं और उसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। अपने फ्रीजर के साथ आने वाला मैनुअल को जरूर पूरा पढ़े। हर 2-3 महीने में अपना डीप फ्रीजर से सारा सामान रिमूव करके उसको डिफ्रॉस्ट करे और साफ कर ले। इसके अंदर अगर बदबू हो तो बेकिंग सोडा या विनेगर का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के इंटीरियर को स्टेन और ओडर फ्री करने के लिए लेमन जूस बहुत इफेक्टिव है। पीछे के कॉयल्स में अगर डस्ट इकट्ठा हो जाता है तो फ्रीजर के फंक्शनिंग को ये अफेक्ट करता है, इसलिए वैक्यूम से या ब्रश से कॉयल को साफ किया करें। फ्रीजर को खाली न रखना और साफ करने के बाद फ्रीजर ऑन करते ही अंदर सामान मत रखें। अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ही सामान रखें, और अगर आप इसको कूलर के तौर पे यूज कर रहे हैं तो भी काफी चिल हो जाए तो ही अंदर सामान रखें। कूलर के डोर्स के आसपास बार बार बर्फ इकट्ठा हो तो साफ करें या फिर डिफ्रॉस्ट करें, क्योंकि ये दरवाजे को बंद नहीं होने देगी और कूलिंग भी लॉस होगा। आप देख रहे थे व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी दूसरों को भी जरूरत हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।